योग दिवस के अवसर पर आज टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई। इस टीकाकरण महाअभियान में युवाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी बारी आने पर टीके लगवाए। सुबह से ही युवाओं के में भारी उत्साह देखा गया, हर कोई अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। इसी बीच विधायक दिलीप बापू भी रेवली देवली के वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे तथा टीकाकरण सेंटर पर सभी को इस महाअभियान में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान कोटवार बाबूलाल नायक की समस्या का भी त्वरित निराकरण विधायक परिहार ने किया। इस दौरान ग्राम पंचायत के कामों को लेकर भी समीक्षा की तथा जल्द कार्य पूर्ण करने हेतु कहा। विधायक परिहार के साथ भादव माता मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिसोदिया, श्याम सुंदर नागदा, आनंद लोधा साथ थे। शत प्रतिशत टीकाकरण 1 बजे पूर्ण होने पर विधायक ने सभी को बधाई दी तथा आगे भी इसी तरह कार्य करने हेतु कहा। विधायक बापू ने इस मौके पर और भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य हेतु सहयोग हेतु कहा। आज सुबह टीकाकरण अभियान में पूजा अर्चना कर टीकाकरण की शुरुआत की। जी, आज का टीकाकरण जो एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया है सरकार ने, 21 जून से 30 जून तक लगभग सभी लोगों को टीकाकरण किया जाने का एक लक्ष्य रखा है। तो रेवली देवली में भी युवाओं ने काफ़ी उत्साह के साथ 135 लोड आए थे, सुबह ही इसकी बुकिंग की गई और उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से टीकाकरण लगाया गया है। मैंने खुद ने भी अब टीका लगाया है और ये आने वाली तीसरी लहर के लिए एक इम्पोर्टेंट है, उससे बचने के लिए टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। और मैं अपने बाकी बचे हुए भाइयों से भी, बहनों से भी, बुजुर्गों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक टीका नहीं लगवाया है तो वो जल्द से जल्द जाकर अपनी पंचायत में, स्कूल में, जहाँ पर भी टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर जाएँ और टीका लगवाएँ। आज जो COVID-19 का टीकाकरण ग्राम पंचायत रेवली में हुआ, उसमें काफ़ी उत्साह देखा गया और 18 प्लस से युवाओं का विशेष इसमें उत्साह देखा गया और बहुत अच्छा टीकाकरण हुआ और लगभग 1 बजे तक शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ है। और आगे भी संभावना है कि आगे भी जो सत्र लगेंगे, जो योग दिवस आज 21 जून 2021 से शुरू हुआ है, आगे भी सत्र लगेंगे तो लग रहा है कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा और शत प्रतिशत टीकाकरण होगा, उत्साह को देखते हुए ऐसा लग रहा है। ये महाअभियान जो चला है आज से 30 तारीख तक चलेगा, 30 जून तक चलेगा, जिसमें ज़्यादा फोकस ग्रामीण क्षेत्र में और 18 प्लस वाले युवाओं पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें और इस महामारी से बचाव में मतलब उनका सहयोग मिले सभी का। पंचायत में टीकाकरण 21 जून आज योग दिवस है, हमने प्रातः योग किया, योग के बाद में 10 बजे से महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण करके नीमच में पंडित दीनदयाल मंडल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में अनेक केंद्रों पर हम जाके आए और लोगों को टीका लगवाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही आज रेवली देवली में मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को सबको धन्यवाद दूंगा, मोहन जी, किशन जी, नागदा जी सबको, और यहाँ जो अभी सरपंच बने हैं उनको भी बधाई दूंगा। यहाँ टीकाकरण में यहाँ के लोगों ने उत्सुकता की वजह से जो टीके मिले थे वो अभी 2 बजे के पहले पहले सब लोगों को टीके लगवा दिए, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आओ हम सब लोग मिलकर टीकाकरण महाअभियान में लगें, हर व्यक्ति को टीका लगवाएं। हम कोविड से बचने के लिए केवल टीकाकरण ही एकमात्र माध्यम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दोनों स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराई है और 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवाओं को भी टीके लग रहे हैं और आम व्यक्ति को भी टीके लग रहे हैं। ये टीके निःशुल्क है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में टीके लगाने का अभियान दिया और उस अभियान में हमने नीमच विधानसभा में भी जो 6,500 लोगों को टीका लगाने का अभियान लिया था, आज वो 6,500 से ऊपर टीके आज नीमच विधानसभा में लगे। रेवली देवली से मोहन नागदा की ये रिपोर्ट।